खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस आईटी एंड कॉमर्स आईटी एट 5th निज़ामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आए थे सभी लोगों का और यही संदेश देने आए थे कि जिस तरीके से पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारे देश में उभरी है, तो अब हमारी कोशिश रहेगी आने वाले चुनाव में भी हम सक्रिय भूमिका निभाएं और अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने का काम करें। देखिए, ये सबसे पहले तो ये बौखलाहट है क्योंकि जिस तरीके के परिणाम 2024 में देखने को मिले, भाजपा की राजनीति ख़त्म होती जा रही है और उन्हें सिर्फ एक तरीके की राजनीति करनी आती है, फिरका परस्त और भेदभाव वाली, तो वही उनकी कोशिश है। चाहे कोल्हापुर हो और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ठेली वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हें अपने नाम की तख्ती लटका कर अपना परिचय देने को कहा गया है, तो दोनों में ही एक भेदभाव का संदेश है और यही राजनीति भाजपा करनी जाती है। नेतृत्व का सवाल है माननीय अखिलेश यादव से जी। आपने कहा तीसरी पार्टी संसद में बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी है, संविधान को लहरा कर दुहाई दी जा रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला महाराष्ट्र तक भी पहुंच रहा है, लेकिन संसद में मुसलमानों का माफ या मॉब लिंचिंग का माफ अब तक सेकुलर पार्टियों की जबानों से नहीं निकला, क्या वजह है? ऐसा नहीं है, देखिए जो अभी तक संसद में जो सदन हुआ है हम भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो सिर्फ शपथ का था और एक अभिभाषण का था जिसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया, तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसके तहत भाजपा लोगों की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश करती है, मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी, और क्योंकि हम विपक्ष में हैं हमने वहाँ पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन भी किया और अब जब सदन शुरू होगा, क्योंकि इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आर था ना जीरो आर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आर का भी मौका मिलेगा और जीरो आर का भी, उस पर ये सारी चर्चाएं होंगी और आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। जी क्या भाल और कंपनी बेचने वाले का जो मामला है नाम, हाँ समाजवादी पार्टी ये CMO से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर हैं ज़िले में, क्योंकि हमारा ज़िला भी वहीं पर लगता है तो हमें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है, इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इससे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है, ये ऑर्डर ही CMO की तरफ से आया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल हो सकता है? इस तरह से धार्मिक आपका सवाल हो गया ना, दूसरों को पूछ लीजिए, दूसरों को मौका दे, किसका सवाल रह गया? देखिए अभी बहुत सी चीजें में उथल रही है और हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं, और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के ये रंग देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी हमें नहीं है। बहुत देखिए एक ऊर्जा पार्टी को मिली है और एक उम्मीद जगी है,
तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी उम्मीद पर हम लोग सब मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी और 27 में हमारी सरकार बनेगी। मैडम, जिस तरह से धार्मिक यात्राओं को और धार्मिक त्यौहार